भाई फाइनली आज क्रॉस हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भाई सुबह सुबह नहा वहा के हो गया तैयार, तो हाय गुड मॉर्निंग। और आज है पंजाब से कन्याकुमारी का डे 93 महीने कंप्लीट हो गए गाइस। और मैं हूँ आज एक राजस्थानी ढाबा पे और ये है इनके ऑनर। क्या हाल है भैया? बढ़िया यार। शाम में ना इन्होंने बोला था कि मैंने आया यहाँ पे, मैंने पूछा यहाँ रह सकता हूँ क्या? पहले तो पता नहीं क्या फिर बोले चलो रह लो यार। तो आज का दिन भाई बस यहीं से स्टार्ट होता है और बस चलते हैं आगे को। तो भाई आज मैं अपने लोकेशन से निकल चुका हूँ और आज का नज़ारा भाई साहब, एक्चुअली रात में हुआ ये कि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और रात में पूरी रात बारिश होती रही और अभी सुबह हवा चल रहा है और नज़ारे आप लोग देख रहे होंगे पीछे ब्लू ब्लू आसमान और उसके बाद क्लाउडी गजब। पर अगर पता क्या है, धूप बहुत तेज हो गया है, अगर धूप नहीं लगेगा तब तो मज़ा आएगा, अगर धूप लगना स्टार्ट हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। चावल चावल राइस ओके दे दीजिए। तो भाई यहाँ पर आया मैं और एक कॉर्नर के पास यहाँ एक अंकल थे, तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यार सुबह सुबह खा पेट में रहेगा तो चलने में और मज़ा आएगा। और ये लोकेशन बहुत बढ़िया है, सर्विंग फूड। हाउ मच प्लेट सर? पैसा कितना? 40। दे दो दे दो दे दो, आप दो, ये मत सोचो हमारे को दो बस। तो भाई यहाँ से फूड प्रिपेयर करवाने हैं और अभी है राइस और ये क्या बोलते हैं कोकोनट का चटनी और ये सांभर। माहौल, मौसम और खाना तीनों एक साथ। भाई जैसे कन्नड़ में एंट्री, कन्नड़ इन द सेंस की कर्नाटका में एंट्री हुई, आई जस्ट मेट सम ब्रदर। हाय हाय हाय, वेयर यू गोइंग नाउ? कर्नूल? आई हैव टू गो कर्नूल नाउ। कर्नूल कर्नूल, ओके ओके ग्रेट। दिस वन इज एन एट्थ प्लेस, एट्थ स्टेट। वेयर हैव टू गो नाउ? कन्याकुमारी। या कन्याकुमारी, actually that is the last destination from that you have to actually I was started Punjab okay 13th of September and now I have to reach in 120 days within. To bhai aaj dopahar ke baj rahe hain 4, shaam ho gaya, ab to 4 baj raha hai aur abhi main entry ho gaya hu Karnataka mein। और ये जो सामने दिखा हुआ है ये कर्नाटका में है और सब बस। तो भाई फाइनली आज क्रॉस हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका में एंट्री हो गई। ये 8th स्टेट है अब तक का और 8वें स्टेट में मौसम भी तगड़ा है। यहाँ से कर्नाटका स्टार्ट हो गया, वेलकम टू कर्नाटका।
सो हे हाय गुड आफ्टरनून, और आज है पंजाब टू कन्याकुमारी का डे 91। और अभी मैं हूँ तकरीबन, मैं जिस लोकेशन पे रुका था पंजाबी ढाबे पे, वहाँ से मैं आ गया तकरीबन 12 किलोमीटर दूर, और मैं हूँ अभी एक राजस्थानी ढाबा। तो ये भाई लोग हैं तो यहीं पर मैंने सोचा कि यार यहीं पर मैं नहाऊंगा इधर ही खा के, और फिर यहाँ से आगे निकलूँगा, क्योंकि अभी मेरे को जाना है यहाँ से चकबालापुर। तो ये लोग हैं भैया लोग, और ये मंगा लिया सेव, मसाला सेव और रोटियाँ। मैं कहा अभी अब खाएंगे यहाँ से और इसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। थैंक यू मैन। भाई जरा डी कैथ लॉन में मैंने सोचा कि एक ले लिया जाए, कैंपिंग टेंट की बहुत जरूरत है। भाई हुआ ऐसा था कि मैं चकबालापुर आने वाला था, चकबालापुर से थोड़ा सा और आगे आया तो मुझे एक नंदी हिल था, तो मैं नंदी हिल पे चला गया, और वहां से ना मेरे को नंदी हिल पे अलाउड नहीं किया जाने को, तो मैं वहां से निकल गया। और वहां से निकलने के बाद मैं वहां बारिश होना स्टार्ट हो गया, तो एक भैया थे उन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ मैं आपको ना थोड़ा सा आगे तक छोड़ देता हूँ, मतलब हाईवे तक। तो मैं उनके साथ हाईवे पर आ गया, और जो ये कैंप दिख रहा था तो कैंप के लिए मेरे को वहां पर एक डिकैथलॉन मिल गया, तो डिकैथलॉन में जाके मैंने कैंप ले लिया। और इसके बाद बस वहीं पर पास में एक आर्मी एरिया था, वहां पर एक गुरुद्वारा साहिब था, तो मैं वहां पे गुरुद्वारा साहिब में जाके रुक गया, क्योंकि सिंपल सी बात है कैंट के एरिया में अंदर था, तो मैंने वहां पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो अलाउड नहीं होता भाई कैंट के अंदर। तो यही कुछ था, और फिर यहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि अभी यहां पर मैं वीडियो नहीं बना सकता। तो फिर ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी 2 दिन की जर्नी यही थी यार। और पता क्या है, जो मेरा जो 90 डेज कंप्लीट हुआ था वहां पर भी मैंने वीडियो नहीं बनाया, बुखार हो गया मेरे को यार, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ही यार, पता है क्या, अप्स एंड डाउन चलता रहता है ये सब। तो फिर मिलते हैं ठीक है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप रखते हैं अपना ख्याल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कमेंट शेयर करते रहो भाई।